तो क्या धोनी अब विदाई मैच के दिन ही मैदान में नजर आएंगे? क्या महेंद्र सिंह धोनी अब विदाई मैच के दिन ही मैदान में नजर आएंगे? अगर हाँ तो भारतीय क्रिकेट के लिहाज के ये अपने आप में बड़ी खबर है। गुरुवार को बीसीसीआई ने बांग्लादेश के खिलाफ आगामी टी डट और टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। टी डट टीम में पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी को शामिल नहीं किया गया है। दादा नाम से मशहूर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनते ही ऐसी खबरें थी कि वह धोनी के संन्यास को लेकर चयनकर्ताओं से बात करेंगे। हालांकि गांगुली ने चयनकर्ताओं से बात की या नहीं इस बात का तो पता नहीं चला है, लेकिन धोनी को लेकर इस बीच बड़ी खबर सामने आ गई है। डीएनए में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक धोनी अब टीम इंडिया के राष्ट्रीय टीम में कभी नहीं चुने जाएंगे। उनका चयन राष्ट्रीय टीम में तभी होगा जब वो अपने विदाई मैच खेलने मैदान में उतरेंगे। हालांकि इससे पहले ऐसी भी खबरें आई थी कि धोनी जनवरी में श्रीलंका या न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से मैदान में वापसी कर सकते हैं। बता दें कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी टीम से बाहर चल रहे हैं। इसके बाद धोनी के संन्यास लेने खबरें और तेज हो गई थी। कई तरह के कयास लगाए गए कि धोनी इस दिन तो उस दिन संन्यास लेंगे, लेकिन धोनी ने खुद संन्यास पर कोई बयान नहीं दिया है।